हाँ वो तो वही अधिकारी पैसा लेके किया या कोई श्रम में किया, कोई क्या किया, कुछ बात पब्लिक एक्शन न्यूज जनता की आवाज में आप सभी को स्वागत है। अभी हम रांची में है और जिस हिसाब से हम लोग बात कर रहे थे कुछ दिन पहले मांगपुर पारसनाथ को लेकर के, कहा कि पारसनाथ में बहुत बड़ा आदिवासियों ने उलगुलान किया था, उस उलगुलान यानी कि जिस प्रकार से हुआ था और भी आदिवासियों के सहयोग यानी कि सपोर्ट करने के लिए अभी आए हैं राजस्थान से, महाराष्ट्र से और राजस्थान से। और तो हम लोग बात करते हैं ये लोग क्या बोलना चाहते हैं, क्या ये लोगों का ये लोगों को किस प्रकार से सहयोग करना चाह रहे हैं, क्या वहाँ का बात करेंगे। सर सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आप कहाँ से आए हैं? मैं बॉम्बे से आया हूँ। हाँ। और मेरे साथी हैं वो अहमदाबाद से आए हैं। और कहाँ से? ओरिजिनली हम लोग राजस्थान के हैं। अच्छा, तो आप लोग जो मारंगपुर पारसनाथ का बात कर रहे हैं, मारंगपुर पारसनाथ को लेके आप लोगों का क्या ये है? ये न्यूज़पेपर के जरिए और वीडियो के जरिए हम लोगों ने जाने कि वहाँ पे मारंगपुर का जो पहाड़ नाम का पहाड़ है उसके ऊपर जैनियों का कब्जा हो रहा है और वो कब्जा बढ़ा रहे हैं और अनऑफिशियली उन्होंने बहुत कुछ बांध काम किया है। तो आदिवासी लोगों ने अभी ये सवाल उठाया है कि भाई आप किस आधार पे ये सब काम कर रहे हैं और कहाँ से परमिशन मिली है और ये हमारा ये तो फॉरेस्ट है, कैसे परमिशन मिली। तो ये बात हमने सुनी तो हमने भी थोड़ा वीडियो में इंटरेस्ट लिया और आगे बढ़े और हमारे भी वीडियो छोड़े उनको, तो इस तरह से हम लोग मतलब इस सब्जेक्ट को लिंक किए। तो अभी जो अब मारंगपुर पारसनाथ हमारा वीडियो में आप पब्लिक एक्शन न्यूज में भी आप देखते होंगे, लेकिन वहां पे क्या है कि वहां तलटी में बहुत सारे जैनी लोगों ने अपना होटल वगैरह बहुत सारे चीज बनाया है, उसके जस्ट ऊपर में वो लोगों का 24 कोटी नाम से है ना, उसके ऊपर में वो लोगों का विभिन्न प्रकार का मंदिर है, वो लोगों का बहुत सारा क्या क्या मंदिर है हम किसी उतना हम जानकारी हमें नहीं है, वो लोगों का माननीय जो भी है वो लोगों का ये है पूजा स्थल है, तो ये सारा चीज है वहाँ पे। तो वहाँ पे आप लोग किस प्रकार का मतलब बात रखेंगे? अभी देखिए हमारी प्रतिक्रिया ऐसी है कि जैन लोगों का ये हैबिचुअल है, सदियों से हैबिचुअल है दूसरों की प्रॉपर्टी हड़प करना, दूसरों का धन हड़प करना, और ये एक विशियस कम्युनिटी है जो ना तो हिंदू है ना मुसलमान है और ये पता नहीं कौन सी कम्युनिटी है, अपने आप को जैन बोलते हैं। हमारे गुरु जी अनूपदास जी महाराज हैं, उन्होंने भी लिखा है कि ये बहुत जालिम कौम है और पूरी संसार को ख़त्म करना चाहते हैं, ये कुदरत के विरुद्ध काम करते हैं, इनकी कोई इज्जत नहीं है, बेशरम जात है। तो इसलिए हम आपसे भी अर्ज करना चाहते हैं कि इनका भरोसा नहीं कीजिए, ये बहुत ही धिनौनी जात है और इनका कोई भरोसा नहीं है। आज हाँ बोल रहे हैं, हम भरोसा करें ना करें हमें पत्रकार का काम है, उनका भी आवाज़ आपके पास पहुँचाएंगे और आपका पास आवाज़ जो अभी ले रहे हैं ये आवाज़ भी उनके पास पहुँच रहा है, पहुंचेगा, सुन रहे होंगे आप जब हम लोग बात कर रहे हैं। तो हम ये बोल रहे हैं कि आप वहाँ अभी आप सरकार से अभी जो आप लेटर दिए हैं यहाँ रांची का डीसी महोदय को, आप क्या लिख के दिए हैं? हमने यही लिख के दिए हैं कि धरती माता जिंदा जीव है और धरती माता सबको पालने वाली है और एक जो मनुष्य पाप कर रहे हैं तो पाप करने में ये सबसे आगे हैं, जैनी सबसे आगे है, तो ये पाप कर रहे हैं, उस पाप की वजह से बरसात नहीं हो रहा है, वनस्पति पूरा नष्ट हो रही है और पशुओं को भी नष्ट हो रहे हैं और कत्ल खाने इन्होंने खोल रखे हैं, ऐसे तो अहिंसा के नाम से अपने आप को विख्यात कर रहे हैं लेकिन कत्ल खाने जितने भी हिंदुस्तान में है वो सब इनके ही है। अभी अभी अनूप मंडल ने ये मैटर आगे बढ़ाया है तो हो सकता है इन्होंने ऑनरशिप मतलब आदमी जो हैंडल करने वाला आदमी बदल दिया, लेकिन ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट सब इन कत्ल खानों में इन लोग जैनी लोगों का है और ये डुप्लीकेट जात है, जैसा माहौल देखेंगे वैसा ये अपने आप को बदल जाते हैं, कभी क्या कभी क्या, कभी अल्पसंख्यक बनते हैं, कभी हिंदू बनते हैं, कभी जैन बनते हैं, तो इनका ये उनके फरेबों का कोई पार नहीं है। तो हम झारखंड वालियों वासियों से ये अर्ज करना चाहते हैं कि इनका भरोसा कभी मत करो और गलत ढंग से जो उस पहाड़ को इन्होंने छेड़ा है या पहाड़ के ऊपर इन्होंने जो बांध काम किया है उसको मान्य नहीं करना है, मरते दम तक मान्य नहीं करना है, इनको हटाना है, वहाँ से हटाना है। हम लोग साथ में हैं आपके, अनूपदास जी महाराज का पूरा मंडल आपके साथ में है क्योंकि ये गलत काम कर रहे हैं और हम भी सफर हो रहे हैं राजस्थान में, हमारे बहुत सारे मंदिर इन्होंने कब्जे कर दिए हैं, खास करके ये पावापुरी है जो फॉरेस्ट की ज़मीन है, कम से कम 60 किलोमीटर या 70 किलोमीटर होगा, पूरी ज़मीन इन्होंने कब्जे कर दी है जबकि वो फॉरेस्ट की ज़मीन है, और आरासना में भी है और ये बामणवाड़ जी महादेव जी का मंदिर है जहाँ मेला भरता था, हिंदुओं का वार्षिक मेला भरता था, बहुत बड़ा तीर्थ है। धीरे 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 इन लोगों ने पूरे हिंदुओं को वहाँ आना जाना बंद कर दिया और
पूरे पहाड़ को घेर लिया और पूरे पहाड़ के ऊपर। सर एक बात है, हमारा जो ये भारत है ये धर्म निरपेक्ष देश है और इसमें देखा जाए तो सभी अलग अलग धर्मों के, अभी तक देखा जाए तो 6 धर्मों के लोग हैं, हिंदू हो गया, मुस्लिम हो गया, सिख हो गया, ईसाई हो गया, है ना, बौद्ध हो गया, जैन हो गया। तो सभी कोई को अपना अपना धर्म मनाने का अधिकार है, सभी सबको अपना अपना जिस प्रकार से पूजा पाठ करने का अधिकार है। तो आप क्या बोलना चाह रहे हैं? मतलब देखिए, धर्म तो धर्म हिंदुस्तान में, धर्म हिंदुस्तान में क्या पूरी पृथ्वी पे धर्म एक ही है। सनातन धर्म उसको बोल सकते हो या मानव धर्म उसको बोल सकते हो। जितने भी लोग आप कह रहे हैं वो सब पंथ है, वो पंथ है एक तरह से, उन्होंने अपने मतलब के लिए अपना धर्म चलाया, अपना पंथ चलाया, उसका कोई मतलब नहीं है हमारे लिए। धर्म एक ही है और जैनियों का तो कोई धर्म नाम की चीज ही नहीं है, ये तो पंथ है। पंथ है मतलब भारत सरकार ने दिया हुआ, सर ऐसे मत बोलिए, भारत सरकार ने दिया हुआ उन लोगों को एक कोड दिया हुआ, जैनी कोड। भारत सरकार को मालूम नहीं है इसलिए एक कोड दिया है। जिस दिन भारत सरकार को इसका ओरिजिनल रहस्य मालूम पड़ेगा, भारत सरकार तुरंत एक्शन लेगी। ये तो हिंदू थे, सदियों से ये हिंदुओं के साथ में रहते हैं और ये हिंदू ही थे और इनको बनिया नाम से पुकारते थे। अभी अभी 100 बरस से जब से बाबा ने किताब लिखी है जगत तीर्थ कहानी, तब से ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग हिंदू है, अल्पसंख्यक है, हमारे को अल्पसंख्यक का दर्जा देना चाहिए और लिया भी है। बहुत सारे राज्यों में इन्होंने अल्पसंख्यक का दर्जा लिया है, बहुत सारे स्टेट्स में अभी भी ये माइनॉरिटी में रहते हैं। तो ये इनका मतलब कोई विचित्र पोजीशन है इनकी। लेटर निकले सर, तो वो उसके बारे में तो हम कुछ बोल भी नहीं सकते और हम यही कहेंगे कि इनकी बातों में नहीं आओ, कुछ भी करे इनकी बातों में नहीं आने का है। और कौन आएंगे इसमें? तो सर जिस हिसाब से आपने अभी आइए इधर आइए, तो आप लोग क्या करना चाह रहे हैं अभी? अभी क्या होने वाला है, मतलब आप लोगों का माध्यम से क्या क्या करेंगे? हमारा माध्यम है अनुपदास जी महाराज की बात, जिसने जगत हितकारिणी लिखी है, वो पूरे विश्व को समझाना है कि अनुपदास जी महाराज ने जो जगत हितकारिणी बनाई है वो उससे पूरा विश्व का कल्याण हो सकता है, ये हमारा उद्देश्य मैन है। ये बात अनुपदास जी महाराज ने जगत हितकारिणी में सबको पढ़ना है और सबको इसको वापसी हो पूरा विश्व को बताना है, ये हमारा मेन उद्देश्य है। ठीक है, आप लोगों ने इसमें विश्व विनाश को बचाने के अनुपंडल को बहुत सारा आप लोग इसमें बहुत सारे लिख रखे हैं, है ना, कि वर्षा ना होना पलना, ये क्या क्या बोल बहुत सारा लिख रखे हैं, तो ये सारे जिम्मेदार आप क्या उनको ठहराते हैं? नहीं, वो उनको ठहराते इसलिए ठहराते हैं कि उनकी वजह से ये होता है और ये सब कारोबार वो ही करते हैं। कुदरत कभी किसी का बुरा नहीं करती है। कुदरत देखिए, कुदरत माँ बाप की तरह होती है, तो माँ बाप अपने बच्चे को कोई भी किसी भी तरह का कोई कष्ट नहीं देते हैं और ये जहाँ जहाँ जाते हैं इन्होंने खास करके हिंदुस्तान को ही अब मतलब दाव पे लगाया हुआ है कि जहाँ भी जाएंगे वहाँ पे बारिश कम होगी, सनातन धर्मी गरीब होंगे, धंधे के बिना रखड़ेंगे, मजदूरी करेंगे और ये धंधा वहाँ करते हैं। पैसे इनके पास बहुत है, जो पृथ्वी का जितना भी सोना है वो इन्होंने पहले से ही दबा के रखा है राजा महाराजों के टाइम से, क्योंकि पहले ये राजा महाराजों के कोठारी भंडारी और मुनीम थे और कैशियर भी यही थे, फाइनेंस मिनिस्टर भी यही थे, तो राजा महाराजा हिसाब नहीं रखते थे, वो पूरा हिसाब इन्होंने गायब कर दिया। तो पैसा इनके पास बहुत है और पृथ्वी में सबसे ज़्यादा धनाढ़ कम्युनिटी है, लेकिन क्या कर रहे हैं कि इनको चाहिए नहीं, इनको दूसरे देवता लोग चाहिए नहीं, ये खुद ही पृथ्वी के ऊपर राज करना चाहते हैं, पूरी पृथ्वी पे अपना साम्राज्य फैलाना चाहते हैं। तो दूसरे लोगों को जो सनातनी है उनको मारते हैं, बीमारियां डालते हैं, अकाल पड़ाते हैं और इस तरह से मतलब ये त्रस्त कर रहे हैं। तो गरीब आदमी फिर लाचार होके जब पैसा नहीं होता है तो इनको सरेंडर करता है, ये जो मेन बात है। वही हालत ये लोग अभी झारखंड का करने वाले हैं, तो हम पहले से अलर्ट करते हैं कि हम तो भुगत भोगी है, आप कम से कम अभी तो बहुत हरियाली है वहाँ पे, बहुत पानी है मालिक की कृपा से, उसको आप बचाए रखो, इन लोगों को भगाओगे तो बचाए रहेगा सब कुछ बचा रहेगा। और इनका कभी भरोसा नहीं करना, ना चाय पीनी है, ना खाना है, ना नाश्ता करना है, ना इनकी गिफ्ट कुछ एक्सेप्ट करनी है, क्योंकि ये इतने हरामखोर है कि जो आदमी बलपूर्वक अगर कोई बात इनके झूठ का विरोध करता है तो उसको मौत या कुछ भी इन्वाइट कर सकते हैं, कुछ भी, क्योंकि काला जादू इनके पास है, ओरिजिनली काला जादू इनके पास है, ये नंगा रहने का मुख्य कारण काला जादू इनके पास है। काला जादू करने वाले को नंगा रहना बहुत ज़रूरी है, तो ये वो काम कर रहे हैं। और इन्होंने जैसा कि आप देख रहे हैं झारखंड में हजारों मंदिर बना लिए हैं, तो इतने मंदिर बनाने की क्या ज़रूरत है? कोई भी महापुरुष हुआ है उसकी आप पूजा करो ना, दिल में पूजा करो, अपने घर में उनकी मूर्ति बिठा दो। आपको दूसरों की जगह पे आक्रमण करके इतने मंदिर बनाने की जरूरत क्या है? क्या मंदिर बनाने से परमेश्वर खुश होगा?
नहीं, आपने परमेश्वर को तोड़ के पत्थर, एक एक टुकड़ा पत्थर का तोड़ के, इतने महंगे पत्थर तोड़ के आपने ये मंदिर बनाए हैं, तो इसका कोई मतलब नहीं है। ये तो खराब होने वाले हैं, 100 साल के बाद ये खराब होंगे, 200 साल के बाद खराब होंगे। तो आपने ओरिजिनल मंदिर जो धरती माता का तोड़ा है, उसके हार्ड तोड़ के ये मंदिर बनाया है, ये सब झूठ है। ये सब हमारा हमारा चैनल या हम किसी धर्म का कटाक्ष तो हम नहीं करते हैं, लेकिन आप जिस प्रकार से बोल रहे हैं कि मंदिर मंदिर तो हिंदू लोग भी बनाते हैं, गिरजाघर क्रिश्चियन लोग भी बनाते हैं, है ना, सभी कोई अपना अपना पूजा का आस्था बनाते हैं, तो ये और वो में क्या अंतर है? देखिए, वैसे तो पत्थरों को तोड़ के, धरती माता के पत्थरों को तोड़ के जो मंदिर बना रहे हैं, वो बेसिकली है नहीं, वो सतयुग में नहीं था, हजारों वर्ष पहले वो बिल्कुल नहीं था। अपनी आत्मा को सब मानते थे और अपनी आत्मा की सब पूजा करते थे, वृक्षों की पूजा करते थे, पानी की पूजा करते थे, धरती माता की पूजा करते थे, ये ओरिजिनल, और गाय और पशुओं की पूजा करते थे, ये हमारा ओरिजिनल सिस्टम है। अभी इन लोगों ने हम मानव जाति को बर्बाद करने के लिए ये पंथ चलाए, इस ढंग के तरीके चलाए, मंदिर बनाओ, वो बनाओ, गिरजाघर बनाओ, तो ये जो दिखाई दे रहे हैं, तो इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। और ये मेरा ऑब्जेक्शन, हमारा ऑब्जेक्शन यही है कि यही लोगों ने सिखाया हुआ हम लोग अनुसरण कर रहे हैं, जो कुछ अनुसरण कर रहे हैं, जो कुछ गलत विधि हम अपना रहे हैं, वो इन लोगों की सिखाई हुई है। और हमने, हमारे लोगों का दिमाग इतना कमज़ोर कर दिया है, इन लोगों ने इतना कमज़ोर कर दिया है कि हम मजबूर हैं कि इनकी बात को मानते हैं। अनुपदा जी महाराज ने हमको जगाया, जागृत किया, तब से हम चमक गए हैं कि भाई ये लोग गलत लोग हैं, इनकी दोस्ती नहीं करनी चाहिए, ये बात है। तो आप जो अभी मारंगपुर पारसनाथ, क्या आप वहाँ जाके देखे हैं? नहीं, हम जा रहे हैं, कल जाएंगे वहाँ पे। तो हम यही पूछना, ये अभी आप जो मारंगपुर के पक्ष में है, यानी कि आदिवासियों को यानी कि सहयोग करना चाह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप आदिवासियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? आप आदिवासियों को बहुत स्ट्रांग रहना है, मजबूत रहना है, ये पंथ इतना खतरनाक है, पूरे विश्व भर में छाया हुआ है, पैसा इनके पास बहुत है, तो आदिवासियों को सत्य के ऊपर कायम रहना है। सत्य में वो बहुत बड़ी ताकत है, वो ताकत है कि उसके सामने पैसा कुछ भी नहीं कर सकता, और वहाँ उनको पैसे की जरूरत नहीं है, उनके पास तो कुदरती बहुत कुछ है। आप किस प्रकार सहयोग करेंगे? हम लोग, हमारा मनोबल से, और हम हमारे राजस्थान के सब आदिवासी हैं, वो इनके साथ में जुड़ने के लिए तैयार है, और हम लोग जितना सहयोग हो सके, मानसिक सहयोग या जो भी प्रोत्साहन इनको दे सकें, उनको हिम्मत दे सकें, वो हम कर रहे हैं। चलो, तो अभी हम लोग जिस हिसाब से देख रहे थे कि यहाँ हमारे झारखंड के विधायक माननीय लोबिन हेम्ब्रोम से भी ये लोग संपर्क किया, थोड़ा जानना चाहेंगे कि लोबिन हेम्ब्रोम के साथ क्या ये लोग संवाद किया। सर, आप लोग लोबिन हेम्ब्रोम से भी संवाद किए है ना, उससे भेंट मुलाकात किए, तो उनसे आप लोग क्या बात किए? हमने, हमारे ये बात हुई कि जो मारंग गुरु पहाड़ है वो आदिवासियों का है, और ये जैनों के पारसनाथ मंदिर के बारे में जो चल रहा है उसका विरोध कर रहे हैं, तो कि हमारा है, तो ये कायम से आदिवासियों का ही है, आदिवासियों की वो कर्मभूमि है, जन्मभूमि है, और उनके वडेरों के का वहाँ से पूरी भूमि उनकी कायम से ही है, सदियों से है। और जो जैनों ने तो मंदिर बनाए होंगे तो 100 साल पहले बनाए होंगे कि 200 साल पहले बनाए होंगे, तो मतलब कहने का मतलब कोई के घर में मैं आता हूँ, भाड़े पे रहूँ या शर्म में मुझे बैठने दें, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि मेरा हो जाइए, कि उसको दया पर मैं तो बैठा था पहले, आज मैं उसको यहाँ खदेड़ने की कोशिश करूँ तो ये बहुत बड़ा भयंकर गुनाह है, तो ऐसा अपराध नहीं करना चाहिए जैनों को। और दूसरी बात ये रही कि आदिवासियों को पूरा हक है, ये कुदरत की सृष्टि की, इसकी कुदरत की शोभा की रक्षा करने का पूरा अधिकार है, और उसको ही मिलना चाहिए। और ऐसे सेंसिटिव जोन है, फिर भी ये बांधकाम कैसे हो गए, कुछ संशोधन विषय है, इस पर सरकार को भी ध्यान देना चाहिए, इसमें बहुत घुसपैठिए होंगे सरकार में भी, तो ये हो सका होगा, तो इसका भी संशोधन करना पड़ेगा कि किस तारीख पर ऐसा ये काम किया हुआ है, इसका इस तारीख पर कौन से कौन अधिकारी थे, उसके ऊपर एक्शन लेनी चाहिए, ये हमारा मंतव्य है और हम इस पक्ष में है। मतलब पुराना जो उस समय जो मंदिर उंदिर बन रहा था, यानी कि उन लोगों का जो जैन लोगों का जो बन रहा था ऊपर में, उस समय जो भी पदाधिकारी था उन लोगों के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, यही आपका कहना है? हाँ, वो तो वही अधिकारी पैसा लेके किया या कोई श्रम में किया, कोई क्या किया, कुछ बात मालूम नहीं पड़ती है, लेकिन गलत काम तो किया है ना, तो उसका संशोधन करके उसको शिक्षा करनी चाहिए, उसका संशोधन अवश्य करना चाहिए और कानून की तरह उस पर एक्शन लेनी चाहिए। हाँ, तो आप आदिवासियों के पक्ष में है, उनसे सहयोग करने आए हैं, तो आप आदिवासियों को एक मैसेज दीजिए ताकि आपके मैसेज जो लोग सुन के
जो भी है आप लोगों का एक साझा संवाद हो सके। मैं तो आदिवासी भाइयों को ये मैसेज देता हूँ कि आप गरीब जरूर है लेकिन हिम्मत हारना नहीं। आखिर सत्य है, परेशान हो सकता है लेकिन कभी हारता नहीं है। आखिर में सत्य का विजयी होता है, ये पृथ्वी का प्रमाण है, ईश्वर का प्रमाण है। इसीलिए मर्दानगी से इस बात को आगे बढ़ाना और सत्य पर अडग रहना। परिचय दे दी सर। हाँ, मेरा परिचय, मैं महेंद्र भाई पटेल हूँ अहमदाबाद से। और ये यहाँ वो मैंने सुना कि यहाँ ऐसा हो रहा है तो मैंने कह दू चलो आप मिल के आते हैं, क्या हो रहा है, ऐसा पहाड़ है, इसका दर्शन भी करें मारंग गुरु का। इसीलिए सर आप भी परिचय दे दीजिए। बस मेरा नाम है भरत सिंह वाघेला, मैं गुजरात से अहमदाबाद के बगल में साणंद गांव है, वहां का रहने। सर आप भी परिचय आप तो फिर से दे दीजिए। मेरा नाम धूल सिंह पंवार है और मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं, इनकम टैक्स की प्रैक्टिस कर रहा हूं और बॉम्बे से हूं। चलो सर आप भी परिचय दे दीजिए। मेरा मोहन लाल गांची मोदी हूँ, राजस्थान से हूँ और इस मारंग गुरु में रांची में मैं कुछ जानकारी के लिए आया हूँ देखने के लिए। सर आप भी परिचय दे दीजिए। मेरा नाम शोभाराम प्रजापति है, वैसे व्यवसाय मेरे अहमदाबाद में है और मूल वतन है राजस्थान में सिरो डिस्ट्रिक्ट पार्टी का। सर आप भी परिचय दे दीजिए। मेरा नाम सगन लाल सोलंकी, राजस्थान का, फिलहाल बॉम्बे में और मैं इन सब मंडल के साथ में आया हूँ। सर सर आप भी परिचय दे दीजिए। मेरा नाम भुराराम कुमावत है, मैं बॉम्बे से आया हूँ, मैं अनूप मंडल से हूँ और जगत हितकारिणी का फॉलोवर हूँ। हो गया। अब सर आपका परिचय नहीं लेंगे। फुलाराम प्रजापति अहमदाबाद से आया हूँ, ये सुना तो हमने भी जगत हितकारिणी का संदेशा लेके आई है। ठीक है, तो हमने सभी का परिचय लिया और हमें उम्मीद करेंगे कि ये वीडियो को आप लोग जन जन तक शेयर जरूर करें, ताकि ये पक्ष हो या विपक्ष या जैन समुदाय भी आप लोग भी देख रहे होंगे, तो ये सारे जो आप लोग देखें इस पे जो भी प्रतिक्रिया आया है इस पे आप लोग को संवाद करने का जरूरत है। चाहे आदिवासी होंगे, आप लोग को जो भी मैसेज मिला है इनसे संवाद करना हमारा काम था, आप लोग से एक जरिया बनाया हमने न्यूज के माध्यम से, हमारे कवर को हमने आप तक पहुंचाने और पब्लिक एक्शन न्यूज जनता का आवाज़ में बने रहने के लिए आपको झारखंड रांची से आप लोगों को धन्यवाद।